एकदम परफेक्ट दिख रही है और लग रहा है ना ये आइसक्रीम है, पर ये आइसक्रीम नहीं है। इस स्वीट को हर कोई खा सकता है क्योंकि आज इसे मैं हेल्दी तरीके से बना रही हूँ। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू सीमा स्मार्ट किचन। आज हम बनाएंगे एक बंगाली स्वीट मिष्टी दोई। इसे बनाने में ट्रेडिशनली बहुत समय लगता है, पर आज मैं आपको इसे इजी तरीके से फटाफट कैसे बनाएं ये बताऊंगी। चलिए देखते हैं आसान तरीके से परफेक्ट टेस्ट वाली मिष्टी दोई कैसे बनाते हैं। एक छन्नी में 3 टेबलस्पून फ्रेश दही लेके इस तरह से रख दीजिए। इसका एक्स्ट्रा पानी निकल जाना चाहिए। अब एक दूसरी कटोरी में 3 to 4 टेबलस्पून मिश्री ले लीजिए। मिश्री को रॉक कैंडी, शुगर कैंडी भी कहते हैं। इसी कटोरी में डाल दीजिए 4 टेबलस्पून स्किम्ड मिल्क पाउडर। अगर आपके पास मिश्री और स्किम्ड मिल्क पाउडर नहीं है तो आप नॉर्मल चीनी और नॉर्मल डेयरी मिल्क पाउडर भी ले सकते हैं। अब इसमें डाल दीजिए 1/2 कप हल्का गर्म दूध। अच्छे से मिक्स कर दीजिए। मिक्स करने से इसकी मिश्री घुल जाएगी। इसे ऐसे ही छोड़ दीजिए, अपने आप धीरे धीरे घुल जाएगी। एक भगोने या फिर कढ़ाई में 2 चम्मच चीनी डाल दीजिए और इसे अब रख दीजिए गैस पे, फ्लेम को लो कर दीजिए। लगातार चलाते रहिए। इस चीनी को हमें कैरेमल करना है। जैसे जैसे ये गर्म होने लगेगी, चीनी मेल्ट होने लगेगी और चीनी का कलर जैसे ही चेंज हो जाए मेल्ट होने के बाद, थोड़ा सा ब्राउन दिखने लगे, इस तरह का दिखने लगे, तब फ्लेम को बंद कर देना है। फ्लेम बंद होने के बाद भी भगोना या फिर कढ़ाई जिसमें भी बना रहे हैं वो गर्म रहता है। धीरे धीरे इसका कलर इस तरह का हो जाने पर बंद फ्लेम पर ही दूध डाल देना है। दूध मैंने यहाँ पे लो फैट मिल्क लिया है। अगर आपके पास लो फैट मिल्क नहीं है तो आप जो भी दूध है उससे भी बना सकते हैं। दूध डाल देने के बाद फ्लेम ऑन कर देनी है और लो टू मीडियम कर देना है। लगातार चलाते हुए इसे एक उबाल आने तक कुक कर लेना है। जैसे ही इसमें एक उबाल आ जाए इसमें मिश्री वाला दूध डाल देना है और फिर से एक उबाल आने तक कुक कर लेना है। जैसे ही उबाल आ जाए फ्लेम को बंद कर दीजिए। मिष्टी दोई की इतनी आसान और हेल्दी रेसिपी आपको YouTube पे कहीं नहीं मिलेगी। देखिए, इसके लिए एक लाइक तो कर ही दीजिए और कमेंट करके बताइए कि इस रेसिपी के लिए कितने लाइक होने चाहिए। दूध में उबाल आ गया है, अब हम फ्लेम को बंद कर देंगे। फ्लेम बंद करने के बाद इसे ढक के रख दीजिए जाली वाले ढक्कन से, अपने आप ठंडा होने दीजिए या फिर इस तरह से विस्कर की या फिर चम्मच की सहायता से मिलाते हुए ठंडा कर लेना है। जिस तरह का हम दही जमाने के लिए दूध रखते हैं सेम वैसे ही करना है। बहुत ज़्यादा गर्म दूध में हम दही नहीं डालेंगे, पर यह दूध मीठा है इसलिए हमें थोड़ा ज़्यादा दही डालना होगा और हल्का सा गर्म भी ज़्यादा रखना होगा। मीन्स अगर हम इसमें उंगली डालें तो हल्का सा गर्म लगे, इतना गर्म दूध चाहिए। अब इस दही को इस तरह से फेंट लीजिए और इस दूध में मिला दीजिए। इसे इतने अच्छे से फेंटिए कि इसमें दही के कोई भी लम्स नहीं रहने चाहिए। अब इसे मिट्टी के बर्तन में या फिर जिसमें भी आप दही सेट करते हैं या फिर छोटे छोटे कप में इस तरह से पलट के रख देना है। ऊपर से ढक्कन या फिर सिल्वर फॉइल लगा देना है। गर्मी के मौसम में 4 घंटे के लिए इसे किसी गर्म जगह पे रख दीजिए और अगर ठंड का मौसम है तो ओवरनाइट के लिए इसे रख देना है, पर बीच बीच में खोल के नहीं देखना है और हिलाना भी नहीं है। जिस भी तरह से आप दही जमाते हैं सेम वही प्रोसेस करना है। मैं इसे कढ़ाई में रख दे रही हूँ और कढ़ाई के ऊपर ढक्कन रख के इसे किचन प्लेटफॉर्म पे रख दूंगी और 4 घंटे के बाद आप इसे गर्मी के सीजन में ओपन करके देखिए, मिष्टी दोई तैयार है। और अगर विंटर सीजन है तो रात भर के लिए या फिर 8 से 9 घंटे के लिए रहने देना है। लीजिए, तैयार है मिष्टी दोई। उसके बाद मैंने इसे 1 से 2 घंटे के लिए फ्रिज में रख दिया था। ठंडा ये खाने में और भी ज़्यादा अच्छा लगता है। वाओ, देखकर ही आ रहा है ना मुँह में पानी। इस हेल्दी मिष्टी दोई को आप किसी भी सीजन में खा सकते हैं क्योंकि ये खाने में टेस्टी होने के साथ साथ बहुत ही हेल्दी है। आप और कौन सी बंगाली स्वीट रेसिपी देखना चाहते हैं कमेंट करके ज़रूर बताइए। और अगर आप चैनल पे नए हैं सब्सक्राइब कीजिए, साथ ही बेल बटन पे प्रेस कीजिए। इससे आपको रेसिपी अपलोड का मैसेज सबसे पहले आ जाएगा। मिलते हैं एक न्यू रेसिपी के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग। बाय बाय।